पाए, नाश्ते में पाए किसे नहीं पसंद होते। सर्दियां अब टका के आ गई हैं लाहौर में, तो दुबई में तो भी नॉर्मल मौसम है, तो लाहौर की याद में आज लाहौरी पाए बनाए सर्दी के मौसम को याद करते हुए। ये चार छोटे पाए मटन के लिए हैं मैंने, इसमें लहसुन पेस्ट, टमाटर और एक छोटा प्याज, और ये मसाले जो हैं ज़ीरा, बादियान का फूल, बड़ी इलायची, धनिया, अदरक पाउडर, दरा मिर्च और नमक डालकर मैं इसमें 1 लीटर पानी डालूंगी और इसको प्रेशर लगा दूंगी। तो तकरीबन 1 घंटे के अंदर ये जो पाए थे ये गल गए थे। उसके बाद फिर मैंने इसकी सॉस को स्टेन कर लिया था और जो पाए थे उसको अलहदा कर दिया था अच्छी तरह साफ़ करके। तो उसके बाद फिर इसका नेक्स्ट जो प्रोसीजर है उसके लिए मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया और उसको ब्राउन करके उसकी एक अच्छी सी पेस्ट, फाइन पेस्ट बना ली। तो वो प्रोसीजर अभी मैं आपको आगे दिखाती हूँ। ये देखें प्रेशर लग गया हुआ है पाए को, तो ये पेस्ट को मैंने दोबारा ऑयल में डाला। ये प्याज की पेस्ट बिल्कुल गली हुई थी। अब मैं इसमें बाकी मसाले, पाए मसाला, सुरख मिर्च, नमक, हल्दी, और ये तकरीबन 1.5 चाय का चम्मच है। आप अपने हिसाब से, हल्दी 1 चाय का चम्मच है, अपने हिसाब से ज़्यादा स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं क्योंकि हमारे मीडियम होता है, ज़्यादा तेज़ स्पाइस नहीं होते क्योंकि बच्चों ने भी सालन वगैरह खाना होता है उस हिसाब से, तो आप अपने हिसाब से ज़्यादा मिर्च वगैरह ऐड कर सकते हैं। अब जैसे ही इसकी भुनाई होगी मैं इसमें 2 बड़े खाने के चम्मच दही ऐड कर दूंगी। दही अपना पानी रिलीज़ करेगी, उसको ड्राई करना है। जैसे ही वो ड्राई होगा फिर उसके अंदर पाए जो गल चुके हुए हैं, सॉस मैंने अलहदा कर ली है, वो डाल के 5 मिनट मज़ीद उसकी भुनाई करेंगे और फिर उसके अंदर उसकी सॉस ऐड करेंगे। तो अब मैं इसके अंदर ये पाए ऐड कर दिए हैं, इसकी 5 मिनट तक मैंने इसकी अच्छी सी भुनाई की। उसके बाद फिर मैं इसके अंदर जो हमारी सॉस थी पाए की, ये देखिए मैंने स्टेन कर लिया हुआ है, अब मैं उसको इसके अंदर ऐड करूँगी। और ऐड करने के बाद तकरीबन 5 से 6 मिनट तक मज़ीद इसकी बॉयल आने का वेट करूँगी। अच्छी तरह जब इसके बन जाएंगे, सारा टेस्ट इस सॉस के अंदर आ जाएगा, तो हमारे पाए बनके रेडी हो जाएंगे। तो ये जी हमारे जो पाए हैं ये अपनी फाइनल लुक को पहुँच चुके हुए हैं। इसमें बॉयल आना शुरू हो गया हुआ है, तो 5 से 6 मिनट बाद ये अपनी फाइनल लुक में आ चुके हुए हैं। अब इसे डिश आउट करते हैं और नाश्ते में गर्मा गर्म खमीरी रोटी, पराठा, नान, जैसे आपको पसंद है, लीमू के साथ और ऊपर गरम मसाला डाल के इंजॉय करें। बनाइए और बताइएगा, बहुत इजी मसालों से बनने वाली रेसिपी है, ये कैसे बने। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया, जजाकअल्लाह है।